going to learn the exam form of CA Foundation, how to fill up the exam form of CA Foundation. First of all, we are starting with the filing one. I will show you one example how to file a CA exam form of CA Foundation for exam November 2018. First go through, go to the Google page and type the CA exam form and search. You will find the first link, that is icia.org. Click on that and you will get this page. This page will open. In this page, go to the login and go to new user register here. Click on new user. This page will appear. In this page, there are two steps that you are required to complete. Step number one, examination select CA Foundation. Foundation, last one is CA Foundation. Then after, registration number. Registration number select WRO, that is Western Region. Agar kisi ka CRO number ho to, you have to select CRO. Otherwise for Gujarat, that is WRO. Registration number, yahan pe humko ek student ka registration number add kar rahe. Okay, then after, enter the birth date. Okay, see, once you enter the WRO number and the birth date, your name will automatically appear on this page. See, you can see the name. Name is Bhaumik Bhagwanji Bhai. Name is there of this student. Okay, agar kisi student ka naam yahan pe nahi aata, agar kisi student ka naam automatically yahan pe nahi aata, to ek dialog box open hoga jiske andar likha hoga ki agar aapka naam nahi aa raha hai, तो आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए आप प्रोविजनल एग्जाम फॉर्म भी भर सकते हैं. तो ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, अगर ये नाम नहीं आता तो आपको वहां पे एक नया, यहाँ पे ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ वाला जो ऑप्शन है उसके नीचे एक ऑप्शन नया अपियर हो जाएगा, प्रोविजनल एग्जामिनेशन. तो आप वो प्रोविजनल एग्जामिनेशन वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर भी टिक करके आगे जा सकते हैं. फॉर्म नाम ना आए तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं. प्रोविजनल एग्जामिनेशन वाला फॉर्म पॉइंट टिक करके आप आगे जा सकते हैं. सी यहाँ पे नाम आ रहा है तो आगे जो बाकी की डिटेल्स बननी है वो कुछ ऐसी होगी. सबसे पहले यहाँ पे आपको ऐड करना है प्राइमरी ईमेल आईडी. ईमेल आईडी ऐसा डालना है कि जो ईमेल आईडी आपके पास अभी एक्सेसिबल हो. किसी और का नहीं डालना है, अपना खुद का डालना, सो दैट वो फटाफट आपको एक्सेसिबल हो. उसके ऊपर ओटीपी आएगा. यहाँ पे हम ईमेल आईडी डाल रहे हैं. डोमेन सिलेक्ट करना है, डोमेन जीमेल या याहू या जो भी डोमेन हो वो सिलेक्ट करना है. उसके बाद ईमेल आईडी जो ऊपर लिखा था आप कॉपी भी कर सकते हैं और वापस आप राइट डाउन भी कर सकते हैं. सेम टू सेम ईमेल आईडी जो आपने लिखा था वही आपको वापस लिखना है. यहाँ पे जीमेल आपको लिखना है, ऊपर वहां पे सिलेक्ट करना था. यहाँ पे जीमेल या जो भी है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है. इसके बाद सेकेंडरी ईमेल की कोई जरूरत नहीं है, दैट इज ऑप्शनल. उसके बाद मोबाइल नंबर आपका लिखना है जो अभी एक्सेसिबल आपके पास हो. मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे टिक कीजिए I do confirm एंड क्लिक ऑन रजिस्टर. ये प्रोसेस क्रिएट करोगे तो यहाँ पे स्टेप नंबर वन आपका कंप्लीट होगा. ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया, आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आया, ये रजिस्ट्रेशन लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको नोट डाउन करके रखना है. एंड या तो आप इसका फोटो भी क्लिक कर सकते हैं. फोटोग्राफ एक बार क्लिक करके रखो और जब नेक्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन ओपन करें कहीं पे भी, तो आपको लॉग इन आई डी पासवर्ड ये वाला डालना है. या आपके मोबाइल में भी SMS के फॉर्म में आया होगा, जीमेल में आपके ईमेल के अंदर भी आया होगा और यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा है, ये आप लिख सकते हैं. ये लिख लेना है एक बार और इसके बाद कंप्लीट दी योर प्रोफाइल, फिर क्लिक करो कंप्लीट योर प्रोफाइल. फिर ये सेकेंड स्टेप यहाँ पे ओपन होगा जिसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है आपका नाम. ओके, सबसे पहले देखो नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है. अगर आपका प्रोविजनल फॉर्म होगा तो नाम ऑटोमेटिक नहीं आएगा, आपको एंटर करने के लिए पूछेंगे. तो आपका नाम एंटर करना है एज पर योर 12th मार्कशीट, आपको नाम एंटर करना है. यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली बाकी की डिटेल्स फिलअप करो. यहाँ पे आपको थर्ड में देखो जेंडर सिलेक्ट करना है.
तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया. उसके बाद यू आर डिफरेंटली इनेबल, तो आंसर यहाँ पे येस और नो. अगर कोई लाइक फिजिकल प्रॉब्लम है, डिसेबल या कुछ भी है तो येस करना, अदरवाइज नो. सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको जो अच्छा लगे वो सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करें. यहाँ पे हम सिलेक्ट करें स्पोर्ट्स टीम इंडिया. व्हाट इज योर ऑल टाइम फेवरेट स्पोर्ट्स टीम? इंडिया सिलेक्ट किया हमने. कोई भी क्वेश्चन रखना है, क्वेश्चन जो भी रखो आप याद रखना आपके लिए. उसके बाकी सारी डिटेल, आधार नंबर इज नॉट कंपलसरी, एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा. एड्रेस अगर नहीं आता प्रोविजनल फॉर्म में तो आपको सिलेक्ट करना है. कंट्री इंडिया सिलेक्ट करें, नीचे स्टेट गुजरात या वॉट एवर जो है आपका स्टेट गुजरात. उसके बाद नीचे परमानेंट एड्रेस वाला जो टिक है उसको टिक मार्क करें, तो ऑटोमेटिक जो ऊपर एड्रेस होगा वो नीचे आ जाएगा. इसके बाद सेव द डिटेल्स, तो वापस आपका स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया. ये दो स्टेप कंप्लीट होने के बाद अब नीचे जो लिखा है गो टू डैशबोर्ड, उसके ऊपर क्लिक करें तो ये पेज ओपन होगा. इसके अंदर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड दो रेड कलर के बॉक्स आ रहे हैं जिसमें लिखा है वेरीफाई योर ईमेल आईडी एंड वेरीफाई योर फोन नंबर. सबसे पहले हम वेरीफाई ईमेल आईडी वेरीफाई करें, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो मेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आपको यहां पे एंटर करना पड़ेगा. ईमेल आईडी और फोन नंबर, पहले हम फोन नंबर को वेरीफाई कर लेते हैं. फोन नंबर वेरीफाई करें, मोबाइल के ऊपर जो वेरिफिकेशन कोड आया था उसको यहां पे एंटर करें एंड वेरीफाई के ऊपर क्लिक करें, तो ये मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई हो गया. अगेन क्लिक ऑन गो टू योर डैशबोर्ड, तो आपका ये पेज वापस ओपन होगा. इसके ऊपर ईमेल आईडी वाला जो रेड वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर क्लिक करें. अब आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, तो ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी आया होगा, तो ईमेल आईडी ओपन करके सो दिस इज ओटीपी दैट वी हैव रिसीव्ड ऑन दी जीमेल. ये ओटीपी आपको वहां पे फॉर्म के अंदर डालना है. प्लीज एंड प्रेस वेरीफाई ईमेल आईडी. अब आपका दोनों ईमेल आईडी और फोन नंबर दोनों वेरीफाई हो गया. नाउ गो टू द डैशबोर्ड, क्लिक करें. इसके बाद ये पेज ओपन होगा. इसके ऊपर इसमें राइट हैंड साइड जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करें. दोनों स्टेप होने के बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करो तो ये आपका पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा. इसके अंदर आपका नाम एक बार चेक कर लीजिए, स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट फिलअप करते जाए. नाम बराबर है, फादर्स नेम बराबर है, जेंडर सिलेक्ट जो किया था बराबर है, फिर डिफरेंट लेबल नो, सिक्योरिटी क्वेश्चन जो हमने लिखा था. उसके बाद नीचे आपका एड्रेस एक बार नीचे वेरीफाई कर लीजिए. ओके, आधार नंबर की जरूरत नहीं है, नीचे जाइए तो नीचे ओके ये सारी डिटेल करेक्ट है, तो उसके ऊपर सेव ऑप्शन, सेव डिटेल्स का ऑप्शन क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आपको ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें ओके प्रेस कीजिए. इसके बाद ये एक फॉर्म ओपन होगा जिसके अंदर सिलेक्ट करना है फर्स्ट में फाउंडेशन स्टार्टिंग से. रजिस्ट्रेशन नंबर अपने आप आ जाएगा. ओके, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जिनका प्रोविजनल फॉर्म होगा, तो जो फर्स्ट आपको WRO नंबर दिख रहा है WRO नंबर की जगह PRO नंबर करके आएगा. यहाँ पे एक्चुअल नाम से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई WRO नंबर एक्चुअल आएगा. ओके, पहला क्वेश्चन है हैव यू कन्वर्टेड फ्रॉम CPD टू फाउंडेशन, तो आंसर इज नो. डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओके डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक लगभग आ जाएगा. अगर ऑटोमेटिक नहीं आता रजिस्ट्रेशन डेट तो आपको कहां से मिलेगा, तो इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन जो आपने किया होगा उसका लेटर आपको मिला होगा, ईमेल आया होगा, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन की डेट लिखी होगी, या तो इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करवाने जाओ तो वहां से चीट छोटा सा मिला होगा उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की डेट लिखी होगी, वो भी चलेगा, वो एंटर कर सकते हैं. अगर प्रोविजनल है तो आपको वहां पे एंटर करना पड़ेगा. और WRO नंबर से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इसके अंदर ऑटोमेटिक डेट आपका रजिस्ट्रेशन का आ जाएगा. और नहीं है तो आपको कहां से लेना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो रजिस्ट्रेशन लेटर के ऊपर लिखा होगा, या तो जीमेल में आपको मेल आया होगा रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट का उसमें लिखा होगा, या तो इंस्टीट्यूट में जो तो छोटा सा वो चीट मिला होगा उसके ऊपर लिखा होगा, वो डेट यहां पे एंटर करना है. उसके बाद पिन नंबर यहां पे आप कोई भी डाल सकते हैं. उसके बाद एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन, तो यहां पे पूछे 12th एग्जामिनेशन आपने पास कर दिया कि नहीं किया, तो यहां पे हम सिलेक्ट करेंगे ऑलरेडी पास. उसके बाद ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन लगभग आपका 2018 होगा, जिन लोगों ने अभी 12th की एग्जाम दी होगी उनका 2018 होगा. एंड बोर्ड, तो यहाँ पे स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करेंगे या CBSE या जो भी है आपका स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कीजिए. उसके बाद या CBSE जो भी है आपका बोर्ड सेलेक्ट कीजिए. ये डिटेल्स उसके बाद जो डिटेल्स है वो आपको फिलअप नहीं करनी, क्योंकि आपने CPT की एग्जाम पहले नहीं दिए तो वो डिटेल्स आपको नहीं फिलअप करनी है. लास्ट सेंटर सिलेक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेंटर सिलेक्शन में सबसे पहले सिलेक्ट कीजिए WRO वेस्टर्न रीजन. वेस्टर्न रीजन सिलेक्ट करने के बाद सिटी कहाँ से आपको एग्जाम देनी है, अहमदाबाद या बाहर से कहाँ से आपको एग्जाम देनी है वो सिलेक्ट कीजिए. अहमदाबाद में चार ऑप्शन है,
अहमदाबाद वन सिलेक्ट करोगे तो अहमदाबाद वन में जितने भी एरियाज है वो एरिया के नाम आएंगे, अहमदाबाद टू सिलेक्ट करो तो एरियाज के नाम आपके आएंगे। अहमदाबाद टू में नारायणपुरा एरिया आ रहा है एंड वैसे सब में अलग अलग एरियाज आएंगे। तो यहाँ पे हमने अहमदाबाद थ्री देखे तो यहाँ पे साईबाग पालडी वगैरह एरियाज आ रहे हैं। अहमदाबाद फोर भी है, इसमें ईशनपुर वगैरह एरियाज है, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। अभी हमारे लिए है अहमदाबाद टू एप्लीकेबल एंड सेंटर कोड अपने आप आ जाएगा मीडियम इंग्लिश एंड चूज फाइल। ओके, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ध्यान देना, यहाँ पे जो आपको फाइल जो चूज करनी वो कौन सी, डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपको मिला होगा वो डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर ऊपर आपने सीए का साइन एंड स्टैम्प किया होगा, वो डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपने साइन एंड स्टैम्प करके आपने रेडी किया होगा उसको स्कैन करना है, मोबाइल से भी कर सकते हैं। वो स्कैन करने के बाद आपको आपके कंप्यूटर में या तो मोबाइल में आपको रखना है स्कैन करके। उसकी फाइल साइज 100 to 300 KB से ज्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम 100 or 300 KB के बीच में फाइल की साइज होनी चाहिए। वो आपको कंप्यूटर में ऑलरेडी स्कैन करके रखना पड़ेगा और इसको यहाँ पे हमने चूज करना है। हमने ऑलरेडी ये फाइल से यहाँ पे हमारी फाइल अपलोड हो गई, हमने फाइल चूज की, फाइल जो हमारे ऑलरेडी डेस्कटॉप के ऊपर थी फाइल हमने चूज की, तो ये फाइल यहाँ पे जो अटैच हो गई वो यहाँ पे दिखाएगी। ध्यान रखे क्या स्कैन करते टाइम उसकी फाइल साइज 100 to 300 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एंड प्रेस द सेव बटन। इतना करने के बाद ये जो आएगा डायलॉग बॉक्स, फाइनली आपको ये चीज कंफर्म करनी है कि आपका रीजन बराबर है, सिटी बराबर है और मीडियम बराबर है और आपका घर का एड्रेस एंड वगैरह। ये एक बार कंफर्म करने के बाद अगर डिटेल्स बराबर है तो फीस डिटेल्स, फीस पे करने के लिए आपको आगे प्रोसीड करना है। फीस डिटेल 1500 रुपये आपको पे करना है बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पे करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे पहले नीचे जाए तो नीचे आई एग्री पे टिक करना है। आई एग्री पे टिक करने के बाद फाइनल सबमिशन में जाएंगे, फाइनल सबमिशन उसके ऊपर ओके करिए ऊपर, तो ये आपको ले जाएगा पेमेंट के गेटवे पे। पेमेंट गेटवे पे मेक पेमेंट में क्लिक करें तो पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हम अपना कार्ड नंबर एंटर करेंगे और कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर, उसके बाद पे नाउ करो तो आपके पेमेंट हो जाएगा। फाइनली पेमेंट करने के लिए फाइनली एक बार आपको ओटीपी आएगा मोबाइल के ऊपर, वो ओटीपी सबमिट करने के बाद ये जब पेमेंट हो जाएगा तो ये पेमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है डाउनलोड पीडीएफ, डाउनलोड पीडीएफ करें तो पीडीएफ आपके कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद वो पीडीएफ जो ओपन होगा वो जैसा आपको दिखेगा, पीडीएफ फॉर्म आपको ये दिखेगा। इसमें नीचे आप जाए तो फॉर्म के अंदर नीचे आपको दो फोटोग्राफ्स है, दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों फोटोग्राफ लगाना है और फोटोग्राफ लगाने के बाद सीए का साइन और स्टैम्प करवाना है और उसके बाद ये चीज आपको आईसीआई भवन में जाके आपको सबमिट करना है। और अगर आपका प्रोविजनल एडमिशन हुआ है, प्रोविजनल फॉर्म अगर आपने फिलअप किया है तो प्रोविजनल फॉर्म वाले को इसके साथ एक प्रोविजनल फॉर्म भरा है ऐसा हैंड रिटन एक डॉक्यूमेंट आपको एक लेटर लिख के आपको इसके साथ अटैच करना है। और इसके साथ एक जीमेल के अंदर रजिस्ट्रेशन लेटर जो आपका आया होगा या रजिस्ट्रेशन लेटर की कॉपी अटैच करके इसके साथ आपको देनी है अगर प्रोविजनल है तो। फाइनल इसके जैसा अगर आपने फाइनल पेमेंट, फाइनल रजिस्ट्रेशन लाइक प्रोविजनल नहीं है तो फिर वो लेटर या वो लिखने की जरूरत नहीं है। उसकी फॉर्मेट आपको यहां से नवकार हाउस 3 से मिल जाएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 27 अगस्त है, सो एज सून एज पॉसिबल आपका फॉर्म फिलअप कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।